दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। हमारे घर में कई बार ऐसा कुछ होता है कि घर का माहौल नकारात्मक होता चला जाता है और हम समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो आपको अपने घर में ही कुछ ऐसी चीजें नजर आ सकती हैं जो कि घर के माहौल में नकारात्मकता घोल देती है। वास्तव में इन बातों को निगेटिव एनर्जी की वजह माना जाता है। आइए हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी पांच चीजें जिनको वास्तु के दुश्मन के तौर पर देखा जाता है, यही दुश्मन आपको परेशान करते रहते हैं। अगर आपके घर में कहीं भी मकड़ी का जाला नजर आता है तो उसे तुरंत हटा दें। वास्तु के अनुसार यह आपके घर में मकड़ी का जो जाला है वह मानसिक उलझन को दर्शाता है। मकड़ी का जाल निगेटिव एनर्जी को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि मकड़ी का जाल जिस घर में लगता है, माँ लक्ष्मी कभी भी उस घर में वास नहीं करती। यदि आपको अपने घर में कहीं भी मकड़ी का जाल लगा नजर आए तो उसे तुरंत साफ कर दें। ध्यान रखें कि घर में कहीं भी मकड़ी का जाल ना हो। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग अपनी चीजें बहुत ही अस्त व्यस्त हैंकी पैंकी तरीके से रखते हैं और उनके कपड़े भी फैले रहते हैं। ऐसे लोगों का जीवन भी काफ़ी अस्त व्यस्त रहता है और अपने लक्ष्य को लेकर भी ऐसे लोग कभी भी स्पष्ट नहीं रहते। वास्तु के अनुसार इस प्रकार से फैला हुआ और अस्त व्यस्त घर आपके जीवन में निगेटिविटी एनर्जी को बढ़ावा देता है। निगेटिव एनर्जी को बढ़ावा देने वाला होता है। ऐसे लोग मानसिक रूप से कभी स्थिर नहीं रह पाते और किसी भी काम को वह पूरा नहीं कर पाते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुरानी टूटी फूटी हुई वस्तुओं को घर में रखने पर हमें राहु के क्रोध का शिकार होना पड़ सकता है। वही वास्तु में भी टूटी फूटी वस्तुओं को बेहद अशुभ माना जाता है। कुछ लोग टूटी हुई वस्तुओं को भी कई दिन तक यह सोचकर संभाल कर रखते हैं कि वह भी कभी तो काम आएगी और यह भी एक संपत्ति समझते हैं। यह सोच कतई सही नहीं है। ऐसा करके आप अपना फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान कर लेते हैं। कोई भी वस्तु टूटने पर उसे तुरंत हटा देना चाहिए। टूटी हुई चीजों में से एक प्रकार की निगेटिव एनर्जी निकलती है तो सारी अच्छी बातों को शोषित कर लेती है, इसलिए इसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार जिस घर में गंदगी रहती है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। इस बात का ध्यान रखें कि घर के किसी भी स्थान पर धूल मिट्टी और गंदगी न रहे। रोजाना पूरे घर को नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से साफ सफाई के साथ ही निगेटिव एनर्जी का खात्मा होता है। नमक को पॉजिटिव एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। रोजाना पानी में नमक डालकर घर का पोछा लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि घर के किसी भी स्थान पर सूखे पौधे नहीं रखने चाहिए। सूखे पौधे एक अजीब प्रकार की नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। अगर आपके घर में कोई भी पौधा सूख रहा है तो उसे तत्काल हटाकर अलग फेंक दें और उसके स्थान पर कोई नया हरा पौधा लगा सकते हैं। सूखे पौधे शनि की अशुभ दशा के प्रभाव को बढ़ाते हैं। भूल से भी घर के किसी स्थान पर सूखा जो है पौधा बिल्कुल नहीं लगावें, अन्यथा परेशानियों को आप दावत दे सकते हैं। आप सब यूं ही बने रहें, वीडियोस देखते रहें। साथ ही इस कोरोना काल के विकट महामारी के इस काल में आप सब सुरक्षित रहें, अपनों का अपने स्वयं आप अपना ख्याल रखें, परिजनों का ख्याल रखें, माता पिता का ख्याल रखें और आप सुरक्षित रहें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।